नमस्कार साथियों, ओम गुरुकुल क्लासेस के इस मंच से मैं पवन सिंह एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग अपनी चर्चा के क्रम पे हिंदी के कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी चर्चा को समाप्त कर चुके थे और उसी क्रम में हम अलंकारों का एक विस्तृत अध्ययन कर रहे थे। साथियों, हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमारे कुछ साथियों के माध्यम से आगामी समय में आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमें यह सुझाव दिए गए कि सर, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रैक्टिस सेट के सेशन हम लोगों को करवाए जाएं, तो उन्हीं को उन्हीं की बातों को मानकर आज हम लेखपाल की परीक्षा के दृष्टिकोण से एक प्रैक्टिस सेशन के मध्य आपके सामने उपस्थित हैं और इसमें जो भी उसके सिलेबस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके माध्यम से आज हम हिंदी के विभिन्न विषयों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए अपनी आज की चर्चा को हम सभी प्रारंभ करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। तो साथियों, जैसा कि हमारे सिलेबस में मेंशन है, तो उन टॉपिक्स में हमारे वोकैब का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग वोकैब के क्वेश्चंस को अपने प्रैक्टिस सेशन में ज़्यादा फोकस करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको सेट के माध्यम से, मतलब विभिन्न विभिन्न सेट पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस को लेकर के हम अपनी चर्चाओं को करेंगे। तो आइए आज की अपनी चर्चा हम लोग प्रारंभ करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, इसके विकल्प हैं ए बाजी, बी तुरंग, सी शार्दुल, डी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा सी शार्दुल। सी शार्दुल इसका आंसर हो जाएगा। शार्दुल जो होता है वो घोड़े का ना होकर के शेर का पर्यायवाची होता है। किसका? शेर का पर्यायवाची होता है। बाकी अश्व है, तुरंग, बाजी, ठीक है, ये घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन से? अश्व, अश्व है, तुरंग, बाजी और सैंधव। सैंधव ये कुछ महत्वपूर्ण है, आप नोट कर लीजिएगा, ये घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। साथियों, यहां पर देखिएगा, ये तुरंग जो शब्द है, ये तुरंग जो शब्द है, ये तुरंग शब्द तो घोड़े का पर्यायवाची होता है, लेकिन कहीं 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 हम लोगों को विकल्प में कंफ्यूज करने के लिए, भ्रमित करने के लिए ये शब्द यहाँ पे तुरंग की जगह तरंग दे देता है। तुरंग की जगह तरंग दे देता है। तो याद रखिएगा, ये तुरंग तो घोड़े का पर्यायवाची होता है, परंतु ये तरंग शब्द जो है, तरंग शब्द जो है ये लहर का पर्यायवाची होता है। किसका? लहर का पर्यायवाची होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा सी शार्दुल। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है, यानी मीनाक्षी किसका पर्यायवाची है? तो इसके विकल्प देख लेते हैं। इसका पहला विकल्प है ए सुंदरी, बी दुर्गा, सी मछली, डी लक्ष्मी। तो इसका सही विकल्प होगा ए सुंदरी। ए सुंदरी इसका सही विकल्प होगा। अब देखिए साथियों, जब हम लोग किताब पढ़ते हैं या पर्यायवाची के प्रश्नों को हल कर रहे होते हैं, तो कहीं कहीं हमें, कहीं कहीं हमें मीनाक्षी, मीनाक्षी का पर्यायवाची, मीनाक्षी का पर्यायवाची दुर्गा भी प्राप्त होता है, दुर्गा भी प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि यदि विकल्प में ए और बी, यानी सुंदरी और दुर्गा, सुंदरी और दुर्गा दोनों ही हों,
दोनों ही हूं, तो ऐसे में आप ए यानी सुंदरी को पहली प्राथमिकता देंगे, पहली प्राथमिकता देंगे। दुर्गा का पर्यायवाची मतलब मीनाक्षी जो होता है वो दुर्गा का पर्यायवाची भी होता है, परंतु अगर विकल्प में दोनों हैं तो उस स्थिति में आपकी पहली प्राथमिकता जो होगी वो सुंदरी होगी। और यदि विकल्प में ये उपस्थित ना हो, यदि विकल्प में सुंदरी जो हो वो उपस्थित ना हो, तो इस स्थिति में आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दुर्गा हो जाएगा। या आप ऐसे समझिए, हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो मीनाक्षी शब्द है, ये मीनाक्षी शब्द है, ये पर्यायवाची के तहत पर्यायवाची के साथ साथ हिंदी में अनेकार्थी शब्द के रूप की तरह भी व्यवहृत होता है, यानी इसका व्यवहार जो होता है वो अनेकार्थी शब्द की तरह होता है, जिसका एक अर्थ सुंदरी होता है और इसका दूसरा अर्थ क्या, दूसरा अर्थ दुर्गा भी होता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर इस प्रश्न का होगा सुंदरी। ठीक, आइए अपने अंतिम आगे अपने अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। नाग का पर्यायवाची नहीं है, नाग का पर्यायवाची नहीं है, ए सर्प, बी अहि, सी विषधर और डी तुरंग। तो देखिए अभी हम लोग पीछे चर्चा करके आए हैं कि डी तुरंग विकल्प जो है ये नाग का ना हो करके बल्कि किसका, घोड़े का पर्यायवाची होता है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी तुरंग इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। जंगम का विलोम क्या होगा, जंगम शब्द देखिए पेपर में कई बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जंगम का जो विलोम होता है, पहले इसके विकल्प देख लेते हैं। इसके विकल्प हैं ए आगम, बी दुर्गम, सी स्थावर, डी चंचल। ठीक है ना, तो इसका जो सही विकल्प होगा कि जंगल का विलोम शब्द वो होगा सी स्थावर, जंगल का विलोम सी स्थावर होगा। ठीक है ना, अब बाकी के जो शब्द बचे, अगम का मतलब जहां पर जाना संभव ना हो वो हो जाएगा अगम। दुर्गम का अर्थ होगा जहां जाना कठिन हो उसका अर्थ हो जाएगा दुर्गम। और चंचल का मतलब होता है जिसका मन स्थिर ना हो वो क्या कहलाता है, चंचल कहलाता है। जिसका मन स्थिर ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, चंचल बोलते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी स्थावर। अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सृष्टि का विलोम शब्द होता है, विकल्प देखते हैं, विसृष्टि, बी प्रलय, सी व्यष्टि और डी समष्टि। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रलय जो होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, सृष्टि का मतलब देखिए साथियों, सृष्टि शब्द का मतलब होता है, अगर हम इसका अर्थ को समझना चाहें तो सृष्टि का अर्थ होता है किसी चीज का निर्माण करना। तो निर्माण करने का जो विलोम होगा उसको क्या करेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग ध्वस्त करना अथवा बिगाड़ना कहलाएगा। उसी को हम किस नाम से जानते हैं, उसी को हम प्रलय के रूप में जानते हैं। तो सृष्टि शब्द का जो विलोम होगा वो हो जाएगा प्रलय। तो सही आंसर होगा इसका बी प्रलय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवा शब्द है ईप्सित का विलोम शब्द। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई परीक्षाओं में हमसे पूछा गया है पेपरों में। तो ईप्सित शब्द का विलोम शब्द पूछ रहे हैं, तो इसके विकल्प देखते हैं, ए अभीप्सित, बी अनीप्सित, सी परोप्सित और डी सुनीप्सित। तो देखिए इसका विलोम जानने से पहले हम ये जान लें कि ईप्सित शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना, तो ईप्सित शब्द का जो अर्थ होता है वो चाह अथवा इच्छा होता है चाह अथवा
इच्छा होता है, ईप्सित, किसी को इच्छा, किसी की इच्छा रखना अथवा किसी चीज की इच्छा रखना ही क्या कहलाता है, ईप्सित कहलाता है। तो अगर देखिए, अगर इसका विलोम बनाएंगे तो इसमें क्या ना जोड़ेंगे, ना जोड़ेंगे, और ना यहां पे ना जोड़ करके हम यहां क्या जोड़ेंगे, अन उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, अन उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। और अगर अन उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो यह शब्द आपका बनेगा अनीप्सित, अनीप्सित, अनीप्सित। अन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, शब्द हो जाएगा अनीप्सित, जिसका अर्थ हो जाएगा इच्छा, इच्छा ना होना, या किसी चीज की चाह, किसी चीज की चाह ना होना, यह कहलाएगा अनीप्सित। चाह ना होना यह कहलाएगा आपका अनीप्सित। तो इस प्रकार से, इस प्रकार से अनीप्सित इसका सही, सही जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अनीप्सित। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साहचर्य, साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। तो विकल्प देखते हैं हम लोग, साहचर्य का ए वैमनस्य, बी सहयोग, सी विनियोग और डी अलगाव। तो साथियों, साहचर्य का जो सही विलोम शब्द होगा वो होगा डी अलगाव, डी अलगाव। साहचर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह साथ साथ होता है, साथ साथ होता है, साथ साथ होता है। तो जब हम इसका विलोम देखेंगे तो कोई चीज यदि साथ साथ है तो उसका विलोम अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, जिसे हम अलगाव के रूप में जानेंगे, अलगाव के रूप में जानेंगे। तो इस प्रकार से यह साहचर्य का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो ऑप्शन डी अलगाव हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा। नवा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, गण का अर्थ नहीं है, गण का अर्थ नहीं है। साथियों, लेखपाल का जो हमारा सिलेबस है उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में अनेकार्थी शब्दों को भी शामिल किया गया है, अनेकार्थी शब्दों को भी शामिल किया गया है। यह हिंदी का एक महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। अनेकार्थी शब्द के बारे में हम जान ले, जब हम लोगों ने शब्द रचना पढ़ी थी तो शब्द रचना में हमने पढ़ा था कि शब्द रचना में शब्दों का एक प्रकार अर्थ के आधार पर जब हमने देखा था, अर्थ के आधार पर देखा था, तो एक प्रकार हमारा कौन सा था, अनेकार्थी था, जिसका विभाजन किसके आधार पर किया गया था, अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर इसका विभाजन किया गया था, अर्थ के आधार पर इसका विभाजन किया गया था। जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब क्या होता है, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनके, जिनके एक से अधिक अर्थ हों, एक से, एक से अधिक, अधिक अर्थ हों, अर्थ हों, वो क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो अब आपको यहां पे पहचानना है, जो गण शब्द दिया हुआ साथियों, ये गण शब्द जो दिया हुआ है, ये गण शब्द के कितने अर्थ हैं, यानी यहां पे आपको पहचानना है कि गण शब्द का अर्थ निम्न में से कौन सा नहीं है, गण शब्द का निम्न में से अर्थ कौन सा नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, गण मतलब पहला विकल्प इसका दिया हुआ है शिव के सेवक, शिव के सेवक। दूसरा विकल्प दिया हुआ है दास। तीसरा विकल्प दिया गया हुआ है छंद के अंग। और चौथा विकल्प दिया गया है शेर। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हमारा क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी शेर, डी शेर हो जाएगा, जो गण का अर्थ नहीं होता है। बाकी के तीन विकल्प जो हैं उनका अर्थ गण से संबंधित है। अब देखते हैं, देखिए शिव के सेवक हैं, शिव के जो सेवक हैं उनको हम गण कहते हैं, शिव के गण कहते हैं। और गणों के स्वामी यानी शिव के जो सेवक हैं, जो गण हैं, उनके जो स्वामी हैं उन्हीं को हम गणपति कहते हैं, उन्हीं को हम गणपति कहते हैं, यानी गणों के, गणपति मतलब गणों के पति, गणों के पति, अर्थात कौन, अर्थात, अर्थात गणेश, गणेश, ठीक है ना, गणेश। या इसी शब्द को देख लीजिए, गणेश का मतलब भी क्या हुआ, गणों के, गणों के जो क्या है, गणों के जो क्या है, ईश है, वही क्या है,
गणेश है, वही गणेश है, ठीक है ना। दूसरा दास, गण मतलब दास भी होता है, जैसे हमने लिखा यहां शिव के सेवक, तो सेवक को हम क्या ले रहे हैं, गण के रूप में ले रहे हैं, तो दास भी सेवक, यानी गण का एक क्या हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, गण एक का एक अर्थ हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने छंद के अंग पढ़े थे, तो छंद के अंगों में हमने वार्णिक छंद के रूप में एक छंद का अंग पढ़ा था, जो कि क्या होता है, गण। गण जो होता है किसका, वार्णिक छंद का एक अंग होता है। तो इस प्रकार से सी विकल्प भी गण का एक अर्थ हो जाएगा, यानी छंद का एक अंग भी, उसको हम क्या बोलेंगे, गण बोलेंगे। और डी जो है शेर, ये गण का अर्थ मतलब नहीं होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इसका हमारा आंसर डी हो जाएगा, डी शेर। आइए अपने अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। दसवां, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज का अर्थ नहीं है, आज का अर्थ नहीं है। तो आप देखिए आज का अर्थ, इसके विकल्प हैं ए ब्रह्मा, बी बकरा, सी शिव और डी राम। तो देखिए यहां पे इसका सही आंसर जो होगा वो डी राम होगा। बाकी के ए बी और सी जो विकल्प है वो तीनों क्या, आज के मतलब अर्थ के संदर्भ में होंगे, यानी आज के अनेक अर्थ में ये लिए जाएंगे, यानी ब्रह्मा शिव और बकरा ये तीनों ही आज के अर्थ के रूप में आएंगे। तो इसका आंसर आपका डी राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनक का अर्थ नहीं, देखिए बहुत महत्वपूर्ण, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। हम लोग एक दोहे के रूप में इसको पढ़ते हैं कि कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, ठीक है ना। तो वहां पे हम दो कनक का अर्थ तो जानते ही हैं, कनक के दो अर्थ हम लोग वहां पे लेते हैं कि एक कनक का अर्थ क्या होता है, एक कनक का अर्थ होता है साथियों धतूरा, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। तो साथी दो अर्थ तो हमें मालूम ही थे। यहाँ पे हम एक और महत्वपूर्ण अर्थ जान लेंगे कि जो गेहूं होता है, गेहूं को भी हम कनक के नाम से जानते हैं। यानी ये कनक जो है एक अनेकार्थी शब्द है, जिसके क्या क्या, धतूरा सोना और गेहूं अर्थ होते हैं, कहीं कहीं पे आपको कनक का एक अर्थ जौ भी मिलेगा साथियों, कनक का एक अर्थ आपको जौ भी मिलेगा। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे कि ये अगर अनेकार्थी के संदर्भ में पूछा जाता है और यहाँ गेहूं की जगह यदि जौ दे देगा तो वो भी आप कनक के अर्थ में ही लेंगे। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी सेव। सेव कनक, सेव का अर्थ कनक, कनक का अर्थ सेव नहीं होता है, कनक का अर्थ जो है वो सेव नहीं होता है। बाकी के जो तीन विकल्प दिए गए हैं वो तीनों विकल्प कनक के अर्थ के रूप में प्रयुक्त होंगे। ग्यारहवां क्वेश्चन देखिए वाक्य शुद्धि, लेखपाल के सिलेबस में वाक्य शुद्धि और वर्तनी ये भी हमारे सिलेबस के रूप में मेंशन है। तो आइए उसके कुछ प्रश्नों की चर्चा हम करते हैं, उसके कुछ प्रश्नों को देखते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो विकल्प देखते हैं, देखिए मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। दूसरा विकल्प है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान की दुकान स्थित है। देखिए यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो ये आसानी से आपको देखिए विकल्प यहाँ पे हट जाएगा कि मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा, फिर मेरे घर के पास अगर एक है तो ये हलवाइयों नहीं होगा, हलवाइयों की दुकान है, ये हट जाएगा। चौथा विकल्प देखते हैं मेरे घर के पास हलवाई की दुकान है, ठीक है ना। तो यहां पे देखें क्या होगा, एक हलवाई की दुकान है, ठीक है ना, एक हलवाई की दुकान है। ये विकल्प भी आपका नहीं सही होगा, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे क्या होने, मेरे घर के पास हलवाई की दुकान है। तो ये विकल्प इसका सही हो जाएगा, एक हलवाई की दुकान। क्वेश्चन आपका थोड़ा सा जहां पे पदों के प्रयोग में अशुद्धि से संबंधित दोष है, तो इस कारण से इसका जो सही आंसर होगा वो विकल्प डी हो जाएगा, मेरे घर के पास हलवाई की दुकान है। अच्छा यहाँ पे इस तरीके से भी हो सकता है कि मेरे घर के पास हलवाई की, अगर यहाँ पे दिया हो एक दुकान है,
तो ये भी आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर ये विकल्प ऐसे ना देकर के ऐसे दिया हो कि मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, और यहाँ पे विकल्प दिया हो मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, तो इस ऐसी ऐसी परिस्थिति में भी ये विकल्प आपका सही होगा कि मेरे घर के पास हलवाई की दुकान है। तो यानी दोनों आपके सही हो सकते हैं, दोनों सही हो सकते हैं। क्या हो सकता है? मेरे मेरे घर के पास, घर के पास, मेरे घर के पास हलवाई की, हलवाई की दुकान है, दुकान है। या दूसरा सही हो सकता है, मेरे घर के पास, मेरे घर के पास, मेरे घर के पास हलवाई की, हलवाई की, हलवाई की एक दुकान है, एक दुकान है। ठीक है ना, दोनों ही आपके विकल्प में हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए अपना दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है वाक्य शुद्धि का। ये कह रहा है, देखिए ये प्रश्न भी बहुत बार पेपरों में पूछा गया है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। पहला विकल्प कह रहा है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। दूसरा विकल्प भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेकों नाम हैं। तीसरा विकल्प श्री कृष्ण के अनेकों नामों से पुकारा जाता है, श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है, और श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो यहाँ पे आप देखिए विकल्प में सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प ऐसा है जहां पे क्या अनेक शब्द का प्रयोग किया गया है, अनेक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यही आपका जो विकल्प होगा वो सही हो जाएगा, विकल्प डी जो होगा वही आपका सही विकल्प होगा कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अब यहाँ पे आप एक महत्वपूर्ण बिंदु नोट कर लीजिए, जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या कहता है, वो साथियों कहता है कि अनेक शब्द जो है, अनेक शब्द जो है, अनेक शब्द स्वयं में बहुवचन शब्द है, स्वयं में बहुवचन होता है, बहुवचन, बहुवचन होता है। अर्थात, अर्थात ये क्या कह रहा है, अर्थात अनेक का, अनेक का कोई बहुवचन रूप नहीं होता है, कोई बहुवचन रूप, बहुवचन रूप नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है ना, तो अनेक जो है याद रखेंगे आप लोग, किसी भी वाक्य में यदि अनेक का प्रयोग हो रहा है तो वो बहुवचन के रूप में हो रहा होगा, बहुवचन के रूप में हो रहा होगा। अनेक का बहुवचन कभी भी अनेक, अनेक या अनेकों नहीं होता है, अनेकों नहीं होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका सही विकल्प जो होगा वो क्या होगा, डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। ठीक है ना, देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। सेकंड कह रहा है देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। तीसरा कह रहा है देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं। और चौथा देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दो विकल्प जो हैं वो तो आपको बहुत आसानी से आप हटा देंगे, बहुत आसानी से हटा देंगे। ये भिनभिनाना, ध्यान रखिएगा, ये भिनभिनाना जो है ये गुण भौरों का ना होकर के किसका होता है भाई, मक्खियों का गुण होता है साथियों। मक्खियों का गुण क्या होता है, भिनभिनाना होता है। मक्खियों का गुण क्या होता है, भिनभिनाना। तो देखिए यहाँ पर ये पहला विकल्प में भिनभिनाना और ये चौथे विकल्प में भिनभिनाना, तो ये दोनों विकल्प तो आपके कट गए, भिनभिनाना। ठीक है ना, तो अब बचे आपके पास दो विकल्प, विकल्प बी और विकल्प सी। तो यहाँ पर देखें दूसरा विकल्प जो कह रहा है वो कह रहा है देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, और सी विकल्प कह रहा है फूलों के ऊपर। तो यहाँ पर देखें फूलों के ऊपर शब्द जो है ये जो है ये दोष है। ठीक है ना, ये वाक्य की अशुद्धि है, फूलों पर भौरे गुंजार करते हैं ना कि फूलों के ऊपर। तो इस प्रकार से ये भी यहाँ पे फूलों के ऊपर के कारण ये वाक्य भी हमारा क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा। और ये बाकी का बचा जो बी वाक्य होगा ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये वर्तनी के दृष्टिकोण से। श्रृंगार ऑप्शन ए, श्रृंगार ऑप्शन बी, श्रृंगार
ऑप्शन सी श्रृंगार और ऑप्शन डी श्रृंगार। ठीक, तो यहाँ पे लगभग सब एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर शुद्ध शब्द को आप देखें तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, श्रृंगार जो होगा वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया शब्द है। ठीक है, श्रृंगार शुद्ध वर्तनी के रूप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे कि श्रृंगार की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो ऑप्शन सी इस रूप में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। हमने आपको संधि पढ़ाई थी, तो संधि में इस प्रश्न को लिया था, तो बहुत अच्छे से आप लोग बता सकते हैं कि इसका जो सही विकल्प होगा, सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी उज्ज्वल। तो उज्ज्वल शब्द जो है वो कैसे टूटेगा, तो याद रखिए उज्ज्वल शब्द उत प्लस ज्वल से टूटेगा, उत धन ज्वल से टूटेगा, और यहां पे जो संधि होगी वो कौन सी, व्यंजन संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि होगी। और व्यंजन संधि के अंतर्गत हमने एक नियम पढ़ा था, तासंबंधी नियम, देख लेते हैं इसको एक बार पुनः। तासंबंधी नियम में हमने पढ़ा था कि यदि ता के बाद क्या, ता के बाद यदि जा अथवा झा आ जाए, ता अथवा झा आ जाए, तो ये जो हमारा ता है, ये ता किस में, ये जा वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो इसी के फलस्वरूप हम देखेंगे ये देखिए ता के बाद यहाँ पे हमें जा वर्ण मिला, तो ये ता हमारा किस में, जा में परिवर्तित हो जाएगा, और इन दोनों के मिलने से हमें क्या शब्द मिल जाएगा, उज्ज्वल शब्द मिल जाएगा, तो इस प्रकार से उज्ज्वल शब्द की जो हमारी शुद्ध वर्तनी होगी वो इसका विकल्प बी हो जाएगी, शुद्ध वर्तनी विकल्प बी हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अब हमारा सेगमेंट वाक्यांश का एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है, किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण में कम दो से तीन प्रश्न वाक्यांश के जरूर होते हैं, तो उसको हमने अपने आज के कंटेंट में लेने का प्रयास किया है। तो देखिए पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला शब्द, इसके ऑप्शन है अनुचर, बी अनुगामी, सी अनुवर्ती और डी अनुगमनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों बी अनुगामी, ठीक है, अनु का मतलब अनुपसर्ग के साथ है, जिसका गामी शब्द के साथ प्रयोग होता है, तो ये पीछे पीछे का अर्थ देता है, गामी का मतलब गमन अथवा चलने वाला, तो पीछे पीछे चलने वाला जो शब्द होगा उसका आंसर हो जाएगा आपका अनुगामी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका विकल्प बी अनुगामी। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो, तो उसके विकल्प देखते हैं, ए कीमती, बी अमूल्य, सी बहुमूल्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा बी अमूल्य, जिसकी कोई कीमत ना हो वो अमूल्य कहलाता है। ठीक है ना, ठीक। और ये जो वस्तु क्या हो, जो वस्तु बहुत कीमती हो उसे हम क्या बोलते हैं, कीमती बोलते हैं, और जिसका बहुत अधिक मूल्य हो, बहुमूल्य का मतलब क्या होता है, जिसका बहुत अधिक मूल्य हो, वो हमारा क्या कहलाता है, बहुमूल्य कहलाता है, और जिसका कोई कीमत ना हो, जिसका कोई मूल्य ना हो, ऐसा ऐसी कोई वस्तु जो भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अमूल्य बोलेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा बी अमूल्य। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, क्या कहलाता है। तो गुरु के समीप रहकर विकल्प देखते हैं, ए शिष्य, बी आश्रमवासी, सी विद्यार्थी और डी अंतेवासी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अंतेवासी, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला जो शिष्य होता है वो अंतेवासी कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तत्सम तद्भव, ठीक है ना, तत्सम तद्भव, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो इसका विकल्प देखते हैं, ए हरिद्र का, बी हरिद्रा, सी हरिद्रा या डी हलिद्रा। ठीक, तो यहां पे देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा श्री हरिद्रा। हल्दी का सही तत्सम
शब्द जो जो रूप होगा वो श्री हरिद्रा होगा। ठीक साथियों, हमने आपको तत्सम और तद्भव की चर्चा के रूप में बताया था कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द जो है दो पदों अथवा शब्दों के मेल से बना है, तत् धन सम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, यानी ऐसे शब्द जो उसके समान हो। उसके का अर्थ यहाँ पे हम किससे लेते हैं, उसके का अर्थ हम लेते हैं यहाँ पे संस्कृत भाषा से, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के समान हो या संस्कृत से मिलते जुलते शब्द हो, उन्हें ही हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं, तत्सम के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो विकल्प सी हो जाएगा साथियों, हरिद्रा। आइए अपने अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नारियल शब्द बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो विकल्प देखते हैं, नारिकेल, दूसरा नारिकेल, मतलब ए विकल्प है नारिकेल, सी विकल्प, बी विकल्प है नारिकेली, सी विकल्प नारिकेल और डी विकल्प जो है नारिकेला। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नारिकेल। बाकी तीनों जो विकल्प है वो कहीं ना कहीं वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध है, इन तीनों में वर्तनी का दोष पाया जा रहा है, जिस कारण से इस 20वें प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नारिकेल, नारियल का तत्सम रूप नारिकेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 23वां क्वेश्चन देखिए साथियों, हमारे लेखपाल का जो सिलेबस है इसमें एक महत्वपूर्ण खंड के रूप में गद्यांश को दिया गया हुआ है, ठीक है ना। गद्यांश के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, तो उसी संदर्भ में हम अपने हर प्रैक्टिस सेट में ये प्रयास करेंगे कि आपको कम से कम एक गद्यांश की प्रैक्टिस हम लोग कराते चलें, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो गद्यांश को लेकर के, और जो हमें सुझाव भी मिले थे कई साथियों के कि सर गद्यांश को लेकर के हमें शीर्षक के चयन में क्या होती है समस्या आ रही है, तो उस संदर्भ में हमारी ओर से ये प्रयास रहेगा कि हम बाकी क्वेश्चंस को क्या करें, मतलब समायोजित करें उसको, मतलब पेपर में सुविधा अनुसार रखें, परंतु जो ये गद्यांश का पोर्शन है ये हर प्रैक्टिस सेट में एक गद्यांश का कम से कम प्रैक्टिस सेट 3 से 4 क्वेश्चंस आपको उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास रहेगा, जिससे कि कम से कम परीक्षा के आते समय या परीक्षा तक आप लोग कम से कम गद्यांश को पढ़ना और उससे चीज़ों को निकालना या ढूंढना सीख सकें, हमारा ऐसा प्रयास रहेगा। तो आइए हम लोग आज अपने गद्यांश पे चर्चा करते हैं और देखते हैं कि गद्यांश से प्रश्नों का चयन हम किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए साथियों, गद्यांश को पढ़ते समय हमें कुछ सावधानियों का ध्यान में रखना होता है, कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। वो क्या होती हैं कि देखिए, जब आपकी जो परीक्षा है, इस परीक्षा की जो अवधि है इसमें आपको पर्याप्त समय मिला है, इसमें आपको पर्याप्त समय दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका महत्वपूर्ण है उसमें जो समय लगना है आपका, वो सिर्फ आपका एक गणित का जो खंड है, गणित के जो प्रश्न आएंगे उसमें आपके थोड़ा सा कैलकुलेशन को सॉल्व करने में थोड़ा सा समय आपको लग सकता है, बावजूद उसके इसकी जो अवधि रखी गई है वो पर्याप्त रखी गई है। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि जब भी आप गद्यांश के प्रश्नों को सॉल्व करें तो जो गद्यांश होगा उसे पूरे मनोयोग से और पूरी सावधानी के साथ पढ़ें, ठीक है। और पढ़ते समय आप उसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द होंगे उन्हें साथ में रेखांकित करें, या नहीं अगर जैसे परीक्षा हॉल में किसी तरीके की पेपर पे चलाने की अगर यदि मनाही होती है तो कहीं ना कहीं छोटा कुछ ऐसा बिंदु वहाँ पे निरूपित कर लें, जिससे कि आपको ये पता चलता रहे कि ये शब्द जो है वो उसके दृष्टिकोण से, आंसर के दृष्टिकोण से, आंसर निकालने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और एक और चीज कि सावधानी के साथ पढ़ने पर भी कभी कभी क्या होता है कि आपको
उत्तर नहीं प्राप्त होते, तो ऐसी परिस्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गद्यांश को देखिए, अगर गद्यांश सरल आया है तो अगर आपने सावधानी के साथ पढ़ा है तो एक बार में ही वो आपको आंसर प्रोवाइड करा देगा, क्योंकि आपसे सीधे आंसर ना पूछ करके विकल्प के रूप में पूछता है। जो भी चीज है वो विकल्प के रूप में आपको दी ही रहती है, ठीक है ना, दी जाती है। तो जैसे एक बार में पढ़ने पर आपको आंसर नहीं भी मिलता है तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल भी विचलित ना हो, मन को एकाग्र रखें। और मैं पुनः बोल रहा हूं कि आपके पास समय पर्याप्त होगा तो कम से कम, यदि आंसर नहीं मिल रहा तो कम से कम सावधानी के साथ दो तीन बार पैराग्राफ को पढ़ने का प्रयास करें। तो जब आप दो तीन बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये चीज समझ में आएगी कि जो हमारा गद्यांश दिया गया हुआ जो पैरा है वो किस बारे में हमें बताना चाह रहा है या किस विषय में बातचीत की गई है। ठीक है, तो आइए इसी संदर्भ में हम लोग आज का अपना गद्यांश देखते हैं और सावधानी पूर्वक इसको पढ़ते हैं और पढ़ने के संदर्भ में हम इसका आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए गद्यांश हमारा क्या कह रहा है। देख लेते हैं एक मिनट, अब देखते हैं हम लोग हमारा गद्यांश जो है वो देखिए क्या कह रहा है। स्वतंत्र व्यवसाय की अर्थनीति के नए वैश्विक वातावरण ने विदेशी पूंजी निवेश को खुली छूट दे रखी है, जिसके कारण दूरदर्शन में, तो देखिए यहां पे क्या हो गया, यहां पर एक महत्वपूर्ण शब्द देखिए यहां पे हमें मिला विदेशी पूंजी निवेश। देखिए कुछ चीजों को आप देखते रहे ध्यान से, अगर आप पढ़ते चलेंगे तो देखेंगे स्वतंत्र व्यवसाय की अर्थनीति ने नए वैश्विक वातावरण में विदेशी पूंजी निवेश को खुली छूट दे रखी है, जिसके कारण दूरदर्शन में ऐसे विज्ञापनों की भरमार हो गई है जो उन्मुक्त वासना। अब देखिए यहां पे अगर ये बोल रहा है विज्ञापनों की भरमार, तो विज्ञापनों की भरमार जो हो गई है उसके ये वो दे रहा है, विज्ञापनों की जो भरमार हो गई है उसमें देख ये देख दिखा रहा है कि किस प्रकार के यहाँ पे विज्ञापन है। विज्ञापनों की भरमार हो गई है जो उन्मुक्त वासना, हिंसा, अपराध, लालच और ईर्ष्या जैसी मानव की हीन मत प्रवृत्तियों को आधार मानकर चल रहे हैं। अत्यंत खेद का विषय है कि राष्ट्रीय दूरदर्शन, अब देखिए यहां पे जैसे ही आपके पास ये दूरदर्शन आया तो यहां पे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप यहां पे देखें कि पहले भी यहां पे दूरदर्शन शब्द का प्रयोग हो चुका है, दूरदर्शन शब्द का प्रयोग हो चुका है और यहां पे दूरदर्शन का प्रयोग दूसरी बार हुआ है। तो ऐसे शब्द जो आपको दोहराव की स्थिति में मिलते हैं, ठीक है ना, जिनका प्रयोग बार बार होता है वो शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी अगर बार बार उनका प्रयोग हो रहा है तो जाहिर सी बात है एकदम स्पष्ट हो जाता है कि जो पैराग्राफ हमारा दिया जा रहा है वो उसी ही शब्द के संदर्भ में है, यानी उसी को लेकर के उस पर चर्चा की जा रही है। तो आइए आगे की हम लोग पढ़ते हैं कि अत्यंत खेद का विषय है कि राष्ट्रीय दूरदर्शन ने भी उनकी भोंडी नकल की, उनकी एक मिनट, ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि उनकी भोंडी नकल की ठान ली है। आधुनिकता के नाम पर जो दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, उससे भारतीय जीवन मूल्यों का दूर का भी रिश्ता नहीं है, वे सत्य से भी कोशों दूर हैं। नई पीढ़ी जो स्वयं में रचनात्मक गुणों के विकास करने की जगह, देखिए फिर से आया आपके सामने दूरदर्शन, अब देखिए महत्वपूर्ण हो रहा है, दूरदर्शन के सामने बैठकर कुछ सीखना, जानना और मनोरंजन करना चाहती है, उसका भगवान ही मालिक है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे दो पूरे पैराग्राफ में दूरदर्शन शब्द का प्रयोग हुआ, तो जाहिर सी बात है दूरदर्शन इसके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द हो जाएगा जो हो सकता है इसका आगे कहीं ना कहीं हम लोग प्रयोग देखेंगे उत्तर को निकालने के संदर्भ में। ठीक, अब देखिए कह रहा है जो असत्य है वह असत्य नहीं हो सकता, समाज को शिव बनाने का प्रयत्न नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया है, यहाँ पे शिव शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे शिव शब्द एक अनेकार्थी शब्द के रूप में है जिसका अर्थ यहाँ शिव ना होकर के क्या है, कल्याण। शिव का अर्थ क्या है, कल्याण, ठीक है ना। समाज को यदि शिव बनाने का प्रयत्न नहीं होगा तो समाज शव बनेगा ही, आज यह मजबूरी हो गई है कि दूर, देखिए फिर से यहाँ पे एक शब्द आया,
दूरदर्शन, दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली वासना युक्त अश्लील दृश्यों को से चार पीढ़ियां एक साथ आंखें चार कर रही हैं। नतीजा सामने है, बलात्कार, अपहरण, छोटी बच्चियों के साथ निकट संबंधियों द्वारा शर्मनाक यौनाचार की घटनाओं में वृद्धि। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम देख रहे हैं कि दूरदर्शन पे इस प्रकार के जो हमारे प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं, अब यहां पे देखें ये उसका कारण का जो नतीजा आ रहा है, उसका जो नतीजा आ रहा है वो देखिए नतीजा किस रूप में मिल रहा है, उसके फलस्वरूप समाज में ये देखें बलात्कार, अपहरण और छोटी बच्चियों के साथ जो यौनाचार संबंधी प्रवृत्तियां हैं इसमें देखिए अक्सर वृद्धि देखी जा रही है। हम लोग देख भी देख रहे हैं कि हमारा जो समाज है वो इस ओर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इन घटनाओं में समाज में आए दिन क्या है, वृद्धि देखी जा रही है। जिसका कारण क्या है, जिसका कारण यही है जो क्या हमारे ये विज्ञापनों की, ऐसे विज्ञापनों की जो भरमार हो गई टीवी पे, जो इस तरीके के विज्ञापन या चीजें हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ठुमक कर चले शिशु। फिर देखिए 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 कितना महत्वपूर्ण, दोनों ही पैराग्राफ में देखिए दूरदर्शन शब्द आपका लगातार लगातार रिपीट हो रहा है। दूरदर्शन पर दिखाए और सुनाए जा रहे हैं स्वर और भंगिमाओं पर अपनी कमर लचकाने लगे हैं, स्वर और भंगिमाओं पर अपनी कमर लचकाने लगे हैं। ठीक है, इधर देखें, ऐसे कार्यक्रम ना शिव है ना समाज को शिव बनाने की शक्ति है। ठीक है ना, ऐसे कार्यक्रम ना शिव है ना समाज को शिव बनाने की शक्ति है, इनसे इनमें फिर जो शिव नहीं वह सुंदर कैसे हो सकता है, जो शिव नहीं वह सुंदर कैसे हो सकता है, अर्थात जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है वो हमारे लिए सुंदर कैसे हो सकता है। ऐसी वस्तु जिससे हमारा क्या, हमारा चारित्रिक पतन हो रहा हो, हमारा नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा हो, वो हमारे लिए सुंदर कैसे हो सकती है, अर्थात वो सुंदर नहीं हो सकती। तो देखिए, ठीक है ना, तो यहां से देखिए कई चीजें हमारे यहां पे जो बात हो रही है वो एक प्रकार से विज्ञापनों की भरमार है, जो एक हमारा नया युग, जो युग आया, जो एक परिवर्तन का युग रहा, ठीक है ना, उस संदर्भ में अगर यदि बात करें तो वहां पे देखें तो उस संदर्भ में हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो दूरदर्शन था जिसका प्रारंभ इस उद्देश्य से किया गया था कि लोगों के बीच में अच्छा अच्छा संदेश जाए, कुछ प्रेरणाप्रद फिल्में समाज को जोड़ने का काम करें, तो बदलते परिवेश के साथ वो भी क्या हो गया, अपने आप को उसने बदल लिया और ऐसी चीज़ों को वो दिखाने लगा, ऐसी चीज़ों को प्रसारित करने लगा जिसका समाज में एक तरीके से नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो ये मतलब इस पैसेज का जो मूल संदेश है वो देने का प्रयास कर रहा है। आइए अब इसी के माध्यम से हम प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए तो यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या कह रहा है, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। देखिए ये शीर्षक सबसे महत्वपूर्ण होता है, शीर्षक किसी भी आप पद्यांश को करेंगे या गद्यांश को जैसे पैसेज को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको शीर्षक जरूर पूछता है। तो शीर्षक के लिए हमने आपको क्या किया, हमने सावधानी से पढ़ा। तो देखिए यहां पर एक शब्द जो था वो बार बार रिपीट हो रहा था, बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही थी, वो शब्द था दूरदर्शन। तो देखिए जब भी शीर्षक का चयन करेंगे तो उन शब्दों को हम प्रधानता देंगे जिसका क्या हुआ है, यहाँ पे पुनरावृत्ति हुई है। तो अब जरा हम अपने विकल्प में देखते हैं तो देखिए पाश्चात्य उपभोक्तावाद और दूरदर्शन, ठीक है ना, दूरदर्शन तो एक ये हो गया, दूसरा पाश्चात्य जीवन मूल्यों का प्रचारक भारतीय दूरदर्शन, ठीक है ना, भारतीय दूरदर्शन, तीसरा भारतीय दूरदर्शन की अनर्थकारी भूमिका, ठीक है ना, और चौथा भारतीय जीवन मूल्य और दूरदर्शन। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर चारों ही विकल्पों में आपका दूरदर्शन है। तो देखिए दूरदर्शन तो यहाँ पे महत्वपूर्ण हो गया, लेकिन जब पूरे पैसेज को हम सावधानी पूर्वक पढ़े तो ध्यान से देखिए पूरे पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ने पे हमें यहाँ पे देखिए क्या क्या मिला। यहाँ पर हमें देखिए एक मूल्य शब्द मिला कि दूरदर्शन जो है, ठीक है ना, दूरदर्शन ने क्या किया है कि दूरदर्शन ने भौंडी नकल की ठान ली है, ठीक है ना, दूरदर्शन ने भौंडी नकल की ठान ली है और यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जो उसका उद्देश्य था, जो क्या था, समाज में चरित्र का विकास करना, नैतिक मूल्यों का विकास करना, वो उससे दूर हो गया है, तो यानी जो उसकी भूमिका थी
अपनी भूमिका थी, उस भूमिका को उसने त्याग दिया है, छोड़ दिया है और उसके उसके विपरीत जा करके वो उन चीज़ों को दिखा रहा है जिससे समाज क्या हो रहा है, जिससे समाज का नैतिक पतन हो रहा है, जिससे समाज का क्या हो रहा है, जिसमें समाज में हिंसा, वासना, ईर्ष्या ऐसी प्रवृत्तियों का जन्म हो रहा है जिसके कारण या समाज में हमारी क्या, देखिए यहाँ पे भी था नतीजा, समाज में जो बलात्कार है, अपहरण है, ये सारी घटनाएं जो घटनाएं हैं उनमें वृद्धि पाई जा रही है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पे देखेंगे तो जिस उद्देश्य से दूरदर्शन का निर्माण हुआ था, जिस उद्देश्य से उसका निर्माण हुआ था, तो उस उद्देश्य को वो भूल गया है, यानी इसकी जो भूमिका है वो अनर्थकारी हो गई है। तो यहाँ पे सी विकल्प के रूप में हमें किसका चयन करेंगे, विकल्प सी का, यानी भारतीय दूरदर्शन की अनर्थकारी भूमिका, यानी ये अपनी भूमिका से हट करके उन चीज़ों को प्रोत्साहित कर रहा है जो भारतीय समाज के लिए हितैषी या भारतीय समाज के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है ना, तो इसका आपका सही आंसर जो होगा वो जाएगा ऑप्शन सी। आइए अपने अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो यहां देखिए क्या है, नई आर्थिक व्यवस्था से भारतीय दूरदर्शन किस तरह प्रभावित है। ठीक है ना, अब यहां पर जरा हम देखते हैं, यहां पर इसने दिया है, देखिए इसको जरा देखते हैं, ध्यान से अब देखते हैं। ये कह रहा है कि नई आर्थिक व्यवस्था से भारतीय दूरदर्शन किस प्रकार, किस तरह प्रभावित है। तो जरा विकल्प देखते हैं, हिंसा, यौनाचार, बलात्कार, अपहरण आदि मानव की हीन प्रवृत्तियों से संबंधित कार्यक्रमों का बाहुल्य चला। देखिए इसका भी यहाँ पे हमारे पास उल्लेख है, इसका यहाँ पे उल्लेख है, देखिए ये इस रूप में हमें यहाँ मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहां पर ये बलात्कार, अपहरण छोटी बच्चियों के साथ, ठीक है, हीन प्रवृत्तियों संबंधित कार्यक्रम जो है उनका अधिकता हो चली है। दूसरा विकल्प देखिए, पाश्चात्य मीडिया के प्रभाव के चलते भारतीय दूरदर्शन नए और स्वतंत्र जीवन मूल्यों की स्थापना में पूरे जोर से लग गया है। ठीक है ना, तीसरा विकल्प कह रहा है, पाश्चात्य मीडिया के अनुकरण कर भारतीय दूरदर्शन भी स्त्री स्वतंत्रता का प्रचार। देखिए पूरे में कहीं पे भी स्त्री स्वतंत्रता की बात नहीं हुई है, पूरे पैराग्राफ को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, तो ये विकल्प तो आपका नहीं होगा। फिर भारतीय दूरदर्शन के कार्यक्रम पर पाश्चात्य जीवन शैली का गहरा असर दिखने लगा है। बिल्कुल ठीक है, पाश्चात्य जीवन शैली का असर दिख रहा है, लेकिन नई आर्थिक व्यवस्था के फलस्वरूप। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको जोड़ना है, ये हमें दिखाई दे रही है, परंतु यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो किसके कारण पूछा जा रहा है, नई आर्थिक व्यवस्था कारण। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा प्रारंभ भी हो रहा है तो उसमें हम देखें यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे देखें हम दे रहे हैं स्वतंत्र व्यवसाय की अर्थनीति, ठीक है, के नए वैश्विक वातावरण में। तो देखिए यहां से अर्थनीति का नए वैश्विक वातावरण जो है, ये शब्द सही हमारा क्या स्पष्ट हो रहा है, ये स्पष्ट हो रहा है कि नया वैश्विक वातावरण जो है यही हमारी क्या है, नई आर्थिक व्यवस्था है। क्या है, नई आर्थिक व्यवस्था है। अब ये नई आर्थिक व्यवस्था जो है वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, विदेशी पूंजी निवेश को खुली छूट दे रही है, जिसके कारण दूरदर्शन में विज्ञापनों की भरमार हो गई है। वो कैसे है, उन्मुक्त वासना हिंसा, यानी इस नीति के फलस्वरूप जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इस नीति के फलस्वरूप देखिए ऐसे विज्ञापन ज्यादा आ गए, मतलब क्या है, विज्ञापनों ने दूरदर्शन को इस प्रकार से प्रभावित किया है कि उसमें वासना, हिंसा, अपराध, लालच ऐसी प्रवृत्तियां क्या हो गई हैं, प्रवृत्तियों का बाहुल्य हो चला है, हीन प्रवृत्तियों का आधार मानकर, ठीक है ना, वो क्या कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर ए हो जाएगा, हिंसा, यौनाचार, बलात्कार और मानव की हीन प्रवृत्तियों संबंधित कार्यक्रमों का बाहुल्य हो चला है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा वो क्या कह रहा है, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नई आर्थिक नीति का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या हो रहा है। ठीक है ना, प्रत्यक्ष प्रभाव क्या हो रहा है, तो इसमें देखिए क्या है, इसमें विकल्प के रूप में हम लोग देखते हैं, तो विकासशील देश अपनी राष्ट्रीय अस्मिता खोते जा रहे हैं, ठीक,
पाश्चात्य जीवन मूल्यों का विश्व के विकासशील देशों पर व्यापक प्रचार हो रहा है, पाश्चात्य जीवन मूल्यों का प्रसार हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा, तीसरा हम लोग देखते हैं उपभोक्तावाद को खुला प्रोत्साहन मिल रहा है, उपभोक्तावाद को खुला प्रोत्साहन मिल रहा है। और डी जो है विकासशील देश विकसित देशों की आर्थिक गुलामी में फंसते जा रहे हैं, विकासशील देश विकसित देशों की आर्थिक गुलामी में फंसते जा रहे हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या है। तो ये क्या बोला इसने, इसने बोला नई आर्थिक नीति के प्रत्यक्ष प्रभाव, नई आर्थिक नीति के प्रत्यक्ष प्रभाव। तो प्रत्यक्ष प्रभाव में देखें हम लोग, यहां पे अगर लिखेंगे तो प्रत्यक्ष प्रभाव में हम क्या देखते हैं, तो यहां पे बोला है कि पाश्चात्य जीवन, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, अब यहां पे लिखा हुआ है, यहां से इस लाइन को देखें जरा यहां से, कि राष्ट्रीय दूरदर्शन ने भी उनकी भोंडी नकल की ठान ली है, आधुनिकता के नाम पर जो दिखाया जा रहा है या सुनाया जा रहा है उससे भारतीय जीवन मूल्यों का दूर दूर तक रिश्ता नहीं। अब जरा इस लाइन को देखिए, यानी यहां पर जो भी हमें दिखाया जा रहा है, यानी जो ऐड हो रहा है हमारे, जिसमें क्या है, हिंसा है, अपराध है, लालच है, ईर्ष्या है, ये सारे जो गुण हैं ये भारतीय मूल्य नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का इनसे दूर दूर से कोई लेना नहीं। अब अगर ये भारतीय संस्कृति के नहीं है तो जाहिर सी बात है ये कहां के होंगे, ये पाश्चात्य संस्कृति के होंगे, जिससे क्या है हमारा समाज क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है हमारा समाज प्रभावित हो रहा है। तो इस प्रकार से यहां पे देखिए, अगर भारतीय मूल्य नहीं है तो इसका संबंध पाश्चात्य जीवन मूल्यों से होने के कारण इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24, पाश्चात्य जीवन मूल्यों का विश्व के विकासशील देशों में व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है, ठीक है ना। यानी इनके माध्यम से ये क्या विश्व में प्रसारित किए जा रहे हैं, हिंसा, ठीक है ना, हिंसा, अपराध, लालच और ईर्ष्या जैसे ये मूल्य जो है इनका विश्व में प्रचार और प्रसार हो रहा है। अगला आंसर देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है हमारा, ये प्रश्न मार्क सबसे कह रहा है, ये कह रहा है अर्थनीति के नए वैश्विक वातावरण से लेखक का क्या तात्पर्य है, ठीक है ना, अर्थनीति के नए वैश्विक वातावरण से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो इसका ऑप्शन देखें, ए विकासशील देशों का विकसित देशों की आर्थिक गुलामी में फंसना, ठीक है ना। तो ऐसा कहीं नहीं है, यहां कहीं ऐसा गुलामी की चर्चा हमसे नहीं की, जब हमने पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ा तो उसको पैसेज में पढ़ने पर एक निष्कर्ष हमें मिला कि यहां पर जो बात की गई है वो नैतिक मूल्यों की बात की जा रही है, पूरे पैसेज में नैतिक मूल्यों की बात की जा रही है, ना कि यहां पे कहीं आर्थिक गुलामी की, ठीक है ना। हाँ, आर्थिक युग की चर्चा जरूर हुई है, आर्थिक युग की या आर्थिक नीति की चर्चा जरूर हुई है, जिसके कारण परिणाम क्या हो रहे हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ना कि यहां पर आर्थिक गुलामी का कोई लेना देना। तो यहां पर विकल्प ए तो नहीं होगा हमारा। दूसरा है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सारे विश्व का एक सूत्र में जुड़ जाना, ऐसा भी यहां कहीं उल्लेख नहीं प्राप्त होता है, कहीं ऐसा नहीं दिखाया गया कि यह पूरा जोड़ने की बात कर रहा हो, ठीक। नेक्स्ट देखिए सी, आर्थिक नीति में राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाकर उसका उदारीकरण, जिससे कोई देश अन्य किसी देश में व्यवसाय करने, उद्योग लगाने और आर्थिक कार्यक्रमों में स्वतंत्र हो। तो देखिए यहाँ पे इस विकल्प को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए हो सकता है आर्थिक नीति का उल्लेख यहाँ पे हमारे साथ आया है। देखिए यहाँ पर अर्थनीति या आर्थिक नीति के रूप में अगर हम देखें तो ये आर्थिक नीति क्या कर रही है, वैश्विक वातावरण में विदेशी पूंजी निवेश की, यानी वैश्विक वातावरण में अगर हम बात करें तो वैश्विक वातावरण में यही होगा कि राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाना, यानी इसका क्या कर देना, एक तरीके से वैश्वीकरण कर देना, यानी व्यवसाय का क्या कर देना, वैश्वीकरण कर देना, खुली छूट दे देना। आप खुली छूट किस चीज की, यानी वैश्वीकरण का अर्थ होता है हमारा कि जो राष्ट्रीय प्रतिबंध है उसको हटा करके अन्य देशों को भी अपने आप व्यवसाय करने का अवसर प्रदान करना, छूट देना, जिससे कि अन्य देश यहां पर आकर व्यवसाय, उद्योग लगाए और अपने व्यवसाय को करने के लिए यहां पे क्या हो, स्वतंत्र हो। तो देखिए पूरी लाइन यहां से उसी अर्थ में, ठीक है ना, उसी अर्थ में यानी बदल करके
बदल करके यहाँ पे दे दी गई है, जिसका अर्थ यहाँ पे समान है। तो इस प्रकार से इस 25वें का आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी देखिए, अब थोड़ा सा अगर आप इसको कंपेयर कर पाएंगे तो मिला पाएंगे कि दोनों जो पंक्तियां बोली गई हैं, जो कि आपकी क्या गद्यांश में दी गई हैं और जो आपकी विकल्प में दी गई है, उन दोनों पंक्तियों का जो आंसर है, वो आंसर या जो भाव है, वो भाव एक ही मिला है। तो इस प्रकार से साथियों, जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था, वो आज हम लोगों ने पूर्ण किया। और आशा की करता हूँ कि आपको ये जो प्रैक्टिस सेशन है, ये समझ में आया होगा और आपके लिए लाभकारी होगा। तो इसी प्रकार हम लोग अपनी नई दूसरी कक्षा में एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे, कुछ और उन बिंदुओं को लेकर के, उन विषयों को लेकर के, हिंदी में जैसे अभी कई टॉपिक हैं जिसके प्रश्न इसमें नहीं है, जो लेखपाल की परीक्षा से संबंधित टॉपिक हैं, तो अगले प्रैक्टिस सेशन में उनको लेकर के उनको सॉल्व करने की का प्रयास करेंगे और आप लोगों की जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है, और इस वादे के साथ कि और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आप सभी को जय हिंद।